बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिरण किचन में। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बड़ी ही मजेदार सी रेसिपी लेकर, और ये खास स्पेशलिटी है पूर्वांचल की, और मैं तो इसे देसी डोनट कहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल दिखता डोनट जैसा है। बस इसे हम गुड़ के उसमें सिरप में डिप करते हैं, और ये चावल के आटे और दही से बनता है। बहुत ही टेस्टी तो है ही, लेकिन हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि गुड़ है, और ये मस्टर्ड ऑयल में इसको जो है कि फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई, और चावल और दही है तो टेस्ट भी है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल आपके सेहत के लिए भी अच्छी है और गुड़ तो अच्छा है ही है, और दही है और राइस है। तो बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, और ये रेसिपी भी मेरी जो मदर है यानी मेरी माँ है वो बना रही है। तो आजकल मैं आराम कर रही हूँ, कैमरे के पीछे आपको रागिनी मिलेंगी और कैमरे के आगे मेरी मदर की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देव रहरी, या इस नेम इज देव रहरी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक जरूर करिएगा अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, मेरे वीडियो अच्छा लगे, और शेयर भी जरूर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना देव रहरी। सबसे पहले हमें लेना है आधा किलो चावल का आटा, और ये जो चावल का आटा है ये पुराने चावल का होना चाहिए तभी बढ़िया बनेगी देव रहरी आपकी, और ये बहुत बारीक ना पिसा हो, थोड़ा दरदरा हो। और इसके साथ हमें चाहिए लगभग 800-900 ग्राम दही, और दही ये घर का मलाईदार दही है। अगर घर का दही आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें 3-4 चम्मच चावल में मोयन दे दें, और ये देखिए दही थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाते जाएंगे। और अब इसमें डालना है 1 कप भर के मलाई। जी हाँ, इसी से जो देव रहरी है आपकी बहुत नरम मुलायम और बढ़िया बनेगी। इसको अच्छे से फेंट लेना है, जो असली कला है फेंटने की है। मदर मेरी बहुत कम से कम 10-15 मिनट तक उन्होंने इसे फेंटा है। अब इसके बाद इसे 1-1.5 घंटे रख देना है। अब उसके बाद इसमें डालना है लगभग आधा कप आटा, जी हाँ गेहूं का आटा, और फिर इसे इसी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको ये ज्यादा थिक लग रहा हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे लगभग 750 ml सरसों का तेल, तेल डालने के बाद तेल को हमें गरम होने देना है अच्छे से। अब इसके बाद ये देखिए पानी भी रखा है ताकि हाथ आप पानी में लगाते जाएं, और इस तरह से बीच में आपको एक छेद करना है। देखिए ये आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बीच में आपको एक होल दिखा, ये देखिए फिंगर से मदर हमारी कर रही है, ये देखिए बीच में देखिए, तो इसी तरह से आपको छेद करते जाना है ताकि पूरा अच्छी तरह से ये एकदम सिक जाए और पक जाए। अब इसे हमें एकदम बढ़िया सा ब्राउन होने तक पकाना है, और आंच बहुत तेज नहीं करनी है। शुरू में आपको फ्लेम हाई रखना है, बाद में मीडियम रखना है, और इसे एक बढ़िया से छान के एक तरफ रखते जाना है। सारे के सारे इसी तरह हमें छान लेंगे, ये देखिए छेद करते हुए बीच में हाथों में पानी लगाते हुए। देखिए सब छन गए हैं, और ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी है और अंदर से कितना बढ़िया सिक गया है, बहुत ही मजेदार और बहुत मुलायम है अंदर से। ये इस तरह भी खाने में बड़ा मजेदार लगता है, बड़ा है सोंधा सोंधा और अंदर से बिल्कुल मुलायम और ऊपर से थोड़ा सा कुरकुरा, बहुत टेस्टी लगता है। अब चलिए बनाते हैं इसकी चाशनी। हम इसमें डालेंगे लगभग आधा लीटर पानी,
और 700 ग्राम के आसपास गुड़। गुड़ चूंकि थोड़ा सा इसमें खरपतवार या थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, तो पहले हम पानी में गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे और फिर उसे छन्नी की मदद से छानेंगे, और फिर उसके बाद हम इसे फिर से उबालकर फिर इसे देवरहरी की चाशनी की कंसिस्टेंसी तक हमें लाना है। ये देखिए गुड़ हम छान ले रहे हैं पिघलाकर, और अब इसे वापस से उसी कढ़ाई में हम ट्रांसफर करेंगे और इसे एकदम बढ़िया से खौला के चाशनी बनाएंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट आपकी चाशनी तैयार है। चाशनी को चेक करने की एक ट्रिक है जो मैंने भी अपनी माँ से और अपनी मदर इन लॉ से ही सीखी है। तो ये देखिए चाशनी की कुछ बूंदे लेंगे और एक कटोरी में पानी रख रखा है उसमें लेंगे, और ये बूंदे पानी में घुलेंगी नहीं, आप हाथ से इनको चलाएंगे तो इनका एक गोल सा बॉल जैसा बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम इस तरह से अब आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी सारी की सारी देवरहरी, और देवरहरी को अच्छी तरह से हम गुड़ से कोट कर लेंगे एकदम बढ़िया से चलाकर, और बस आपकी सुपर टेस्टी देवरहरी बिल्कुल रेडी है, या देशी डोनट एकदम तैयार है। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखे देखने में ही कितना मजेदार और कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत टेस्टी होता है। ट्रस्ट मी, आप एक दफा ट्राई करिए, आपको बहुत मजा आएगा। ये जो चावल, गुड़ और दही और सरसों के तेल का कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजेदार है, सोंधापन भी है और अंदर से बहुत नरम, ऊपर से थोड़ा सा क्रंची, बहुत टेस्टी लगता है। और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी मेरी माँ की, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको कुछ कहना हो, कोई बात करनी हो मुझसे, तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जी रैन किचन के नाम से मिल जाऊँगी। और ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी और अमेजिंग डिशेस देखने के लिए आप जी रैन किचन पर जा सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी किसी ऐसी ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।